बाबा ध्यान में अवस्थित भय और सब देख लिया। सती ने मेरी मां का रूप बनाया, इतना बड़ा अपराध। ऐ सती ने मेरी मां सीता का रूप बना लिया है, इसका अर्थ आज के बाद सती मेरे लिए मां जैसी हो गई। अब मैं इनके साथ गृहस्थ धर्म का निर्वाह कैसे करूंगा, त्याग भी नहीं सकता, प्रिया है, रह भी नहीं सकता, क्यों अब मातृभाव में है अब मेरे लिए, क्या करें क्या करें। द्वंद आया, प्रभु के श्री चरणों का स्मरण किया और मन ही मन बाबा ने संकल्प कर लिया, आज के बाद मेरे शरीर से सती का भेंट नहीं होगा। बाबा ने सती जी का त्याग कर दिया। आकाशवाणी भाई, आकाशवाणी ने इतनी प्रशंसा की, धन्य हो बाबा, आपके अलावा भक्ति को इतनी ऊंचाई तक कौन लेकर जा सकता है। जय जय हो, जय हो, जय हो, खूब जय जयकार भैया। सती जी सुन ली, मन में सोचने लगी, बाबा ने जरूर कोई प्रण किया। पूछती है बार बार, प्रभु आपने कौन सा प्रण किया, बाबा ने बताया नहीं। यहां पर देखिए गोस्वामी जी एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिए, कहते हैं जल पय सरिस बिकाई, देखहु प्रीति की रीति भली, बिलग होई रस जाय, कपट खटाई पर पुनी। कहते हैं जल दूध मिलकर एक भाव में बिकता है, लेकिन यदि खटाई पड़ जाए तो दूध से जल अलग हो जाता है। आप दर्शन करिए, दूध में जब पानी जाता है ना, तो दूध में मिलने के बाद पानी पानी नहीं रहता है, क्या बन जाता है वो, दूध। क्यों, पानी जब दूध में जाता है तो अपना नाम, अपना पहचान, अपना अस्तित्व सब समाप्त कर देता है, तब दूध में के पास जाता है। दूध कहता है भाई तू मेरे से इतना प्रेम करता है कि अपना नाम पहचान मिटाने को तैयार है, कोई बात नहीं, आज के बाद मैं तुमको अपना नाम दूंगा, अपना रूप दूंगा, अपना स्वाद दूंगा, और यहां तक कि अपना मोल दे के तुमको अपने साथ बाजार में बिकवा दूंगा। कितना प्रेम, और दूध उस पानी को भी दूध बना के बिकवा देता है, स्वयं उसी भाव में अपने साथ में। उसी दूध को माई लोग ला के बर्तन में रख कर जब चूल्हे पे चढ़ाती है ना, और दूध गर्म होने लगता है, तो पानी कहता है दूध से, मित्र तुमने अपना रंग दिया, स्वाद दिया, मोल दिया, मुझे मैं कुछ नहीं था, मुझे अनमोल बना दिया, चिंता मत करना मित्र, तुम्हारे साथ जब तक मैं रहूंगा मैं अपने आप को जलाऊंगा, तुम्हारे ऊपर आंच भी नहीं आने दूंगा। और पानी अपने आप को जलाने लगता है, दूध को बचाता है, और जब मित्र जलने लगता है, दूध से बर्दाश्त नहीं होता, वो बर्तन से बाहर निकल के और उस आग को बुझाने दौड़ता है, तू मेरे मित्र को बुझ जलाएगा, उससे पहले मैं तुझे बुझाकर समाप्त कर दूंगा। कितना प्रेम हो। इसी प्रकार जब हम लोग अपने को समाप्त करके भगवान के पास जाते हैं ना, तो भगवान भी हमको अपना रंग देते हैं, अपना रूप देते हैं, मोल देते हैं, और अपने साथ साथ हमारी भी पूजा करवाने लगते हैं। लेकिन सावधान, उस दूध में खटाई का दो बूंद पड़ जाए हो, तब जब दूध से पानी अलग होगा ना, उसके बाद दुनिया की कोई ताकत दोनों को एक नहीं कर सकती। उसी प्रकार भगवान के पास तो हो, लेकिन यदि तुमने कपट रूपी खटाई का प्रयोग किया, अपने और भगवान के बीच में कपट को रखा, तो हम भी भगवान से वैसे दूर हो जाएंगे जैसे खटाई पड़ने के बाद दूध से पानी निकल के दूर चली जाए। कपट ना हो। कपट जानते हैं क्या है, हम जो हैं वो दिखाई नहीं पड़ते, जो दिखाई दे रहे उससे हमारा कोई संबंध नहीं है, यही सबसे बड़ा कपट है। जीवन में ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना जिससे किसी का मन दुखित हो जाए। मां बारंबार पूछती है, यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहे त्रिपुर आराती। भगवान ने उस समय के बाद भी नहीं कहा, क्यों, कहूंगा तो सती का मन खराब होगा, मैं कह के नहीं व्यवहार से बताऊंगा सती मैंने आपका त्याग कर दिया है। कभी देखिए गोली का घाव भर जाता है, बोली का घाव नहीं भरता है, जब तक शरीर रहता है ना बोली का घाव सुनाई पड़ता है। कभी किसी को ऐसा नहीं कहना चाहिए
जिससे उसका मन व्यथित हो। क्यों? अरे सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा ये जमाना किसे का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसे का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसे का। सदा ना रहा में कथा हो रही है, चलना नहीं है, चलना कथा घुंघरू की डिलीवरी करनी है। बलवीर जी घुंघरू पहुंचाने जाना है, अभी टाइम है। आप चलेंगे भाई साहब? मेरी गाड़ी आई उसको अनलोड कराना है, अभी टाइम नहीं है मेरे पास। अरे यहां बहाना बना लो, लेकिन याद रहे वहां पर वहाना चलेगा, सरदार।
एक व्यक्ति मरने वाला था, तो अपने बेटे से कहा, बेटा मेरी अंतिम इच्छा पूरी करोगे? बोला, जी पिताजी। चाबी पकड़ो, तिजोरी में एक मोजा है, निकाल कर ले आओ। गया, तिजोरी खोला तो उसमें से एक मोजा निकाला। मोजा 10 स्थान पे फटा हुआ था। ले गया पिताजी के पास। पिताजी बोले, बेटा ये मेरा बड़ा प्रिय मोजा है, मैंने वर्षों से इसको बचा के रखा है, मेरी अंतिम इच्छा है जब मैं मर जाऊं और मुझे चिता पे जलाना ना, तो ये मोजा पहना के फिर जलाना। करोगे? जी पिताजी, अवश्य करूंगा। प्राण छूटा, घाट पर लेकर गए सब। जब चिता पे शरीर को रखने की बारी आई, उसने कहा, देखिए पिताजी की अंतिम इच्छा थी, मैंने वचन दिया है, मैं ये मोजा पहना के फिर चढ़ाऊंगा वहां। ब्राह्मणों ने कहा, दिमाग ठीक है? चिता पे रखने के समय शरीर पर कोई कपड़ा नहीं रहता है। बोले, हम नहीं जानते, पिताजी की इच्छा मैं पूरा करूंगा ही करूंगा, बिना पहना मैं रखने नहीं दूंगा। भैया बवाल, वो कहे कि बिना मोजा पहना मैं रखने नहीं दूंगा, ब्राह्मण के मोजा रहेगा ही नहीं। बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया गया, कोई उपाय निकले? कोई उपाय नहीं। कोई भी ब्राह्मण देवता तैयार नहीं भाई कि मोजा पहनाया जाए। तब तक एक दूसरा व्यक्ति आया और उसने उस लड़के को एक दूसरा पत्र दिया। वो भी पत्र उसके पिता का ही था। बच्चे ने पत्र खोला, उसमें लिखा था पिता ने, बेटे आज तुम देख रहे हो ना, तुम्हारे लाखों प्रयास करने के बाद भी ये फटा हुआ मोजा भी मुझे कोई पहनाने नहीं दे रहा है। अरे संपत्ति तो छोड़ो, मैं अपने साथ एक फटा मोजा भी नहीं लेके जा सकता हूं। मैं तुमको समझाने के लिए कहा था, जीवन में खूब पैसा कमाना, धन कमाना, लेकिन साथ में थोड़ा वो भी कमाते जाना जिसको साथ में लेकर अगले जन्म तक यात्रा कर सको। क्यों? सब कमा लोगे, ये नहीं कमा पाओ ना तो जाते समय कंगाल होके जाना पड़ेगा, साथ में कुछ जाए होएगा नहीं, नहीं साथ जाता। अरे खजाना किसी का, इसलिए नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी। बाबा ने बताया नहीं, लेकर गए कैलाश और शंकर भगवान 87,000 वर्ष के लिए समाधि में चले गए। जानते हैं, किसी को सजा देनी हो, सबसे बड़ी सजा है मौन धारण कर लीजिए, इससे बड़ी कोई सजा नहीं होती। सामने रहे बात मत करिए, मौन धारण करिए। मौन धारण करना तपस्या है, साधारण बात नहीं है, चुप हो जाना। लोग कोई नहीं मिलता तो शीशे से बात करते हैं। बाबा मौन हो गए। 87,000 वर्ष बाद समाधि से बाहर आए, राम राम स्मरण किए। सती जी दौड़ कर गई, प्रणाम की, बाबा ने सामने बिठा कर लगे बाबा कथा सुनाने, लगे कहन हरि कथा रसाला। ठीक इसी समय ब्रह्मा जी ने सती के पिता दक्ष को प्रजापतियों का नायक घोषित कर दिया। बड़ा अधिकार दक्ष को जैसे मिला। आपको बतावें, दक्ष इतने बड़े अभागे थे, अपने दामाद यानी शंकर भगवान को ही शत्रु मानते थे। क्यों? एक बार ब्रह्मा जी की सभा बैठी थी, सारे देवता बैठे थे। दक्ष आए तो जितने देवता दिग्पाल थे सब सम्मान में खड़े हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों खड़े भाई हो, भाई सबके ऊपर है। दक्ष सोचने लगा कि ठीक है, विष्णु जी नहीं भाई कोई बात नहीं, ब्रह्मा जी नहीं भाई कोई बात नहीं, लेकिन ये शंकर तो मेरा दामाद है, इसको तो कम से कम खड़ा होना चाहिए। बाबा को पते नहीं कि ससुर जी आए हैं, वो तो झोली में हाथ डाले आंख बंद करके राम 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 में लगे हुए हैं। लेकिन जानते हैं जीव का स्वभाव, कहीं जाता है ना तो ये नहीं दिखाई पड़ता कि 100 लोग खड़े होकर प्रणाम किए, उसको वो पहले दिखाई पड़ता कि वो नहीं खड़े बैठे हम जब गए तो। प्राप्त होता हुआ सम्मान नहीं देखता, पहले क्या दिखता है हमको, आने पर खड़ा कौन नहीं भैया, पहले लिस्ट बनाओ उसकी। ये दुख का सबसे बड़ा कारण है। वो उसी दिन से दक्ष बाबा को अपना शत्रु मान लिए, बड़ा अधिकार मिला। शिव जी को अपमानित करने के लिए हरिद्वार के कनखल में यज्ञ की रचना की, सबको बुलाया छोड़ ब्रह्मा विष्णु और महेश को,
बाबा मैया सती को कथा सुना रहे हैं, सारे देवता निमंत्रण आया है सुंदर सुंदर विमान में बैठकर अपनी अर्धांगनियों के साथ और कैलाश के ऊपर से विमान लेके जाने लगे। अरे भाई बाईपास से चले जाते, लेकिन नहीं, सारे देवता कैलाश के ऊपर से। क्यों? बाबा को यह बताने के लिए ससुर जी ने आपको नहीं बुलाया, हम लोग को बुलाया है। सती जी ने पूछा, प्रभु ये सारे देवता? शंकर भगवान ने कहा, आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, उसी में भाग लेने जा रहे हैं सब। मां ने कहा, प्रभु मैं भी हुआ हूं? बाबा ने कहा, बुलाया नहीं गया। मां ने कहा, प्रभु पिताजी के घर, मित्र के घर, गुरु जी के घर और स्वामी के घर, चार स्थान पे तो बिना बुलाए जाना चाहिए। बाबा ने कहा, बात सही है आपकी, लेकिन यदि अपमानित करने के लिए नहीं बुलाया गया है तो जाने पर कल्याण नहीं होगा। मां नहीं मानी, अंत में दो गणों को साथ में लगाकर बाबा ने विदा कर दिया। अस्सी साल की बूढ़ी माई भी जब अपने मायके जाती है ना, हो चेहरे की खुशी आप देखिएगा कभी, अय है क्या बात है, गलत तो नहीं कह रहे हैं ना है? सती मैया जब चली मायके ना, ऐसा होगा वैसा होगा, ये मिलेंगे वो मिलेंगी, इनसे मिलूंगी उनसे मिलूंगी। लेकिन आपको बतावे, सती मैया जब गई ना हो, मेरी मां से कोई बात तक नहीं किया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहुन सनमानी। किसी ने मिला तक नहीं, कोई किसी ने देखा तक नहीं मेरी मां को, कोई बात नहीं। सती मैया अपनी मां के पास गई, और आपको बतावे, सती मैया की मां ने जब अपनी बेटी को देखा ना हो, दौड़ गई और जाकर आदर पूर्वक मां अपनी बेटी से मिली। संसार आपका त्याग कर सकता है, लेकिन याद रखिएगा, मां अपने बच्चे की कभी त्याग नहीं कर सकती। कोई न मिले, मां अवश्य मिलती है। इसलिए सबके प्रति अपराध हो जाए, जीवन में कभी भूल कर मां के प्रति अपराध न बने। क्यों? भगवान के प्रति अपराध होगा कोई बात नहीं, मां के प्रति अपराध हो गया ना हो, फिर कुछ बचता नहीं है जीवन में। और जिसके साथ मां का आशीर्वाद मिल गया, उसको कोई ऊंचाई से पहुंचने से रोक भी नहीं सकता। हमारे कलकत्ता के बहुत बड़े शायर हैं मुनव्वर राणा, वो कहते हैं, मैंने बुलंदी के हर निशान को छुआ, मैंने बुलंदी के हर निशान को छुआ, लेकिन सच कहता हूं, जब मेरी मां ने मुझे गोद में उठाया तब जाकर आसमान को छुआ। बिना मां के आशीर्वाद के कुछ होने होने वाला नहीं है। सादर भले ही मिली एक माता, कोई न मिला, मां मिल गई, सारा कष्ट समाप्त। मां ने कहा अपनी मां से, मां मैं यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाना चाहती हूं। गई, जाकर सती जी ने परिक्रमा लगाया, देखा सभी देवताओं का स्थान, मेरे पति के लिए कोई स्थान नहीं, इतना अपमान। अब तो जो जो बातें बाबा ने कही थी सारी बातें कानों में गूंजने लगी, मां का क्रोध बढ़ गया, इतना क्रोध बड़ा मेरी मां सती का, दबट पड़ी मुनियों के ऊपर, बोले मुनि ऋषिगण कान खोल कर सुनिए, सुनो सभा सद सकल मुनिंदा, सुनो सभा सद सकल आपसे कही सुनी जिन शंकर निंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, ओ फल तुरत लहब सब का हो, ओ फल तुरत लहब सब का हो, भले बात पछताव पिता हो, भले बात पछताव पिता हो, संत शंभु श्रीपति अपवादा, संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहां तहां असिमर दादा, सुनिए जहां तहां असिमर दादा, जगत जनक सबके हितकारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंद मत निंदत दे, पिता मंद मत निंदत, मैं दक्ष शुक्र संभव यह दे, दक्ष शुक्र संभव यह दे, तजि हो तुरत देहत ही हेतु, तजि हो तुरत देहत ही हेतु, हो
कक्ष के तो उर्धर चंद्रमोला अस कहीं जो गया गिनी तनु जारा अस कहीं जो गया गिनी तनु जारा अयो सकल मख हाकारा अयो सकल मख हाकारा अयो सकल मख हाकारा। मां दबट पड़ी, हे देवगण ऋषि मुनि ध्यान से सुनिए, आप में से बैठकर जिसने मेरी पति की निंदा की है अथवा जिसने बैठकर कानों से सुना है सबको दंड मिलेगा। आज नियम है, मर्यादा है, जिस सभा में संत की, शंभु की और नारायण की निंदा हो, यदि शक्ति है तो निंदा करने वाले की जिह्वा काट दो, शक्ति नहीं है तो कान बंद करके चले जाओ। मेरे पति केवल पति नहीं जगत के पिता है, और आज इस मेरे नीच पिता ने मेरे पति की निंदा की। आज के बाद मैं इसकी बेटी नहीं कहलाऊंगी, दक्ष की बेटी के रूप में जीवित नहीं रहना। माँ ने दाहिने पांव के अंगूठे से योग अग्नि को प्रज्वलित कराकर और अपने आप को जलाकर भस्म कर, माँ जलकर भस्म हो गई हो। बाबा के दो रुद्रगण साथ में थे, लगे विध्वंस करने। नारद जी जाकर शंकर भगवान को बताएं, बाबा ने जटा निकालकर पटका पर वीरभद्र प्रकट हो गए, कुपित करके भेजाऊ। वीरभद्र आए, गणों ने वीरभद्र से कहा, एक पूषा नाम के देवता थे, पूषा। शिव जी की निंदा हो रही थी तो बहुत जोर जोर से हंस रहे थे। गणों ने कहा ये बहुत हंस रहे थे। वीरभद्र ने ऐसा मुक्का मारा, 3200 दांत गिर गए। यज्ञाचार्य थे भृगु जी महाराज, उनकी दाढ़ी नोच ली जाकर। दक्ष के सर को पकड़ा वीरभद्र ने और घुमाकर धड़ से सिर को उखाड़कर और अग्निकुंड में जलाकर भस्म कर। बाद में भगवान शंकर को बुलाया गया यज्ञ की रक्षा, भाई सावधान, किसी को नीचा दिखाने के लिए आप सत्कर्म करने जाएंगे गांठ बांध के रखिए, आपका सत्कर्म पूरा होने वाला नहीं है। वैर भाव से यदि परमार्थ करेंगे आप तो पूरा होने वाला। मुझे याद है महाराज जी के साथ बैठा था एक कथा में, आगे कहीं कथा थी तो वहां के आयोजक आए थे, बोले महाराज जी से कि ये क्या व्यवस्था महाराज, व्यवस्था हम करेंगे। तो महाराज जी ने कहा भगवान आपकी रक्षा करें। तो समझ में उनके बात नहीं आई, वो चले गए। हमने कहा सरकार आपने ये क्यों कहा कि भगवान आपकी रक्षा करें, बोले बेटा अभिमान करके गए हैं, इनकी कथा बिगड़ेगी तुम देखना। और बतावे 9 दिन कथा भाई, 9 दिन, दिन भर जितने कार्य करता रहते थे बाल्टी ले लेकर पंडाल से पानी बाहर निकालते थे, तो शाम को कथा होती थी, फिर रात भर में इतने इंद्र नारायण प्रसन्न हो जाते थे, फिर सुबह लबालब पानी, फिर दिन भर बाल्टी लेकर पानी निकालो, 9 दिन यही चला। यदि आप द्वेष भाव लेकर, वैर भाव लेकर, विरोध भाव लेकर, तुलनात्मक भाव लेकर परमार्थ करने जाओगे आपका काम पूरा होने वाला नहीं है। इधर देखिए सती मैया मरते समय, अरे सती मरत हरि सना बरु मांगा, क्या मांगा, इसी जन्म में नहीं, जन्म जन्म केवल शिव पद अनुराग। हे राम जी आप एक आशीर्वाद दीजिए, अगले जन्म में भी ना मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूं, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। राम जी से क्यों मांगी जानती हैं, मैंने परीक्षा राम जी की ली थी, अपराध राम जी के प्रति किया था, जब तक राम जी क्षमा नहीं करेंगे तब तक बाबा मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरी बात, सती जी जानती हैं कि राम जी की हर आज्ञा का पालन बाबा करते हैं। एक बात कहें, हमारे जीवन में भी कोई ऐसा होना चाहिए ना जिसकी हम हर आज्ञा का पालन करें, बुरा मत मानिएगा, जिसके जीवन में कोई बड़ा नहीं रहता ना, जिसके मन में किसी बड़े के प्रति भय नहीं रहता, क्षमा करिएगा, उसको रावण बनने में समय नहीं लगता। हमारे ऊपर कोई रहे जो गलत करने पर हमको टोक सके, जिसकी हम हर आज्ञा का पालन करें। राम जी
राम जी शंकर जी को अपना भगवान मानते हैं और शिव जी राम जी को अपना भगवान मानते हैं। ये संबंध है सेवक स्वामी सखा सिय पी के, कौन बाबा मेरे। राम जी ने कहा ठीक है अगले जन्म में भी आप बाबा की ही दासी बनेंगी, इस बार आप दक्ष की बेटी थी, आपके पिता के सर को तो जला दिया गया लेकिन बकरे का सर लगाकर उनको जीवित कर दिया गया है, तो कहिए तो अगले बार भी दक्ष की बेटी